हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। मैं आपकी होम साइंस के मेंटर आरजे वानी आपका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो पहला फैक्टर है वो है वैल्यू। वैल्यूज आर बोर्न फ्रॉम ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। वैल्यूज कहाँ से बोर्न होती है? ह्यूमन के नीड्स और डिजायर्स से वैल्यूज बोर्न होती हैं। दे मर्ज टू द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड समथिंग इन द सराउंडिंग। जो हमारे सराउंडिंग में है और जो हम है, मतलब हम और मेरी सराउंडिंग में जो चीजें हैं उससे जो है उसके कनेक्शन से जो इमर्ज होती हैं वो होती हैं वैल्यूज। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स वैल्यूज कम फ्रॉम व्हाट पीपल केयर अबाउट। जिस चीज के बारे में लोग केयर करते हैं, उनको इम्पोर्टेंट समझते हैं, वहां से वैल्यूज इमर्ज होती है। Conceived values. These are the principles that a culture teaches and are often discussed when talking about morality and ethics. ये क्या principle है? ये वो principles है जो हमारा culture हमें सिखाता है, जो हमारा culture हमें सिखाता है, जिससे वो values आती हैं। और ये कब हम बात करते हैं? जब हम morality और ethics की बात करते हैं तो conceived values होती हैं। नेक्स्ट जो है, निकल और डॉर्से के अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या है? मोटिवेटिंग फैक्टर्स है ह्यूमन बिहेवियर में। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर जजमेंट। जजमेंट के लिए बेस क्रिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन के लिए बेस क्रिएट करती है, एनालिसिस के लिए बेस क्रिएट करती है। और ये क्वालिटीज क्या करती हैं? दीज क्वालिटीज मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस। मतलब वो हमें हेल्प करती है कि हम क्या चार चीजों में से, अगर चार चीज हमारे पास है तो हम कौन सा ऐसा डिसीजन ले, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी, इंटेलिजेंट चॉइस करें जिससे कि जो हमारे डिसीजन में, जो हमारा डिसीजन है, जो हमारा गोल है वो प्रॉपरली अचीव हो सके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज। तो वैल्यूज जो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इंडिविजुअल के लाइफ में, और वो पर्सनल होती हैं। हमारी अपनी एक अलग वैल्यू होगी, आपकी अपनी एक अलग वैल्यू होगी, सबकी अपनी एक अलग वैल्यूज होती है। डिसीजन मेकिंग रिलाई करता है इन वैल्यूज पे। जो हमारी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। वैल्यूज एक्ट लाइक गाइड्स। गाइड्स की तरह हेल्प करता है हमें, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू मोर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये हमें कौन गाइड करता है, कौन मोटिवेट करता है इस चीज के लिए होता है, तो वो है वैल्यूज। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स दे प्ले अ की रोल। ये की रोल प्ले करती है गाइडिंग में और मोटिवेटिंग में एक इंडिविजुअल को कि वो कैसे एक्ट करे, वो क्या एक्शन करे और वो क्या चॉइसेस ले। ठीक है, तो ये मेरी डेमो क्लास थी। अगर आपको मेरी क्लासेस अटेंड करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो उस पर आप कॉल कर सकते हो और आप पेड बैचेस के बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हो और हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।